नमस्कार, मैं सौरभ पाटिल विजय खौसे के साथ WH न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज जनता कर्फ्यू पूरे देश में लगा हुआ है, उसी साथ में हम यहाँ पे नागपुर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कैसे नागपुर का वातावरण यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया गया है। जनता कर्फ्यू के द्वारा यहाँ पे हुआ पूरा रोड सन्नाटा से ग्रस्त हो गया है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलते आ रही दिखाई दे रही है, और साथ में पूरा रोड यहाँ पे ये साइड में नागपुर है, पूरा रोड शांति का वातावरण यहाँ पे निर्माण हो गया है। और जनता कर्फ्यू द्वारा वाड़ी शहर में पुलिस द्वारा हुई चेकिंग जो किसी को भी यहाँ पे पनपने नहीं दे रही है, और पूरे सन्नाटा का यहाँ पे लोगों द्वारा होने वाला शांति का माहौल यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं हर गाड़ी की यहाँ पे चेकिंग हो रही है, किसी भी इसमें को यहाँ से जाने की परवानगी नहीं है, जो कि यहाँ पे जनता कर्फ्यू द्वारा समर्थन लोगों को बताया गया है। सकते हैं वाड़ी पे जो वाड़ी नाका नंबर से जो नागपुर की तरफ जा रही है, यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पे आपको दिखेंगी जो कि 24 घंटे अपने को सेवा देने के लिए तत्पर है। हम यहाँ पे अभी वाड़ी नाका नंबर 10 पे यहाँ पे मौजूद है, जो कि जनता कर्फ्यू का यहाँ पे लोगों का समर्थन है। देखिए किस तरह से अपने पुलिस बंदे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सहायता कर रहे हैं, और किसी भी गाड़ी को किसी भी इसमें को यहाँ से जाने नहीं की परवानगी नहीं दे रही है, क्योंकि जनता कर्फ्यू द्वारा जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो यहाँ पे हमको दिखाई देने वाले। उसी तरह से हमारे साथ में PSI संपर्ण मैडम यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानेंगे क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, आप दर्शकों को बताइए जनता कर्फ्यू जो लगा है इस बारे में आप क्या बताएंगे, लोगों का किस तरह से समर्थन है? लोगों का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। जो सुबह से हम 7:30 बजे से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो नागपुर की जनता ने बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट किया है। सभी जगह पे जितनी जगह को बंद करवाना मतलब मैसेज दिया है, उतने सभी जगह से शॉप वगैरह सब बंद है। पूरा रास्ता आप देखेंगे तो पूरी तरह सन्नाटा है, जहाँ पे आपको दिखेंगे खाली एम्बुलेंस और मरीज के लिए जो कुछ दवाई डब्बा वगैरह खाने का टिफिन इतने हम देख रहे हैं। हमारे साथ इस विभाग के वाहतुक पुलिस कर्मचारी यहाँ पे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया। सर क्या संगना अपन क्या बताएंगे सर आप? बंद को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है, जनता का हम आभारी है। बाकी तो आप देख रहे हैं पूरा तरह रोड पर सन्नाटा छाया हुआ है, बाकी तो शांतता है। तो यहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है, और जनता के इसके लिए जनता के शरीर आरोग्य के लिए 20 घंटे एम्बुलेंस चल रही है यहाँ से नागपुर से वाड़ी, और वाड़ी से नागपुर आना जाना जो एम्बुलेंस का हो रहा है, कि कहीं भी कुछ भी हलचल हुई है तो वहाँ पे तुरंत 101 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस बुलाया जाए। राष्ट्रीय महामार्ग पे सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस ही दिखाई दे रही है, जो भी कुछ आपत्ति हो तो पुलिस को बताइए, एम्बुलेंस को बुलाइए, 108 पे डायल करिए। और पुलिस ने यहाँ पे जो उपस्थित है वो उनका बहुत ही बड़ा यहाँ पे सहयोग रहा है, कि उन्होंने धूप में खड़े रहने के बाद भी उन पेशेंट लोगों को किसी को जाने नहीं देंगे, और साथ में 100 यानी यहाँ पे किसी गाड़ी को जाने की परवानगी है पुलिस वालों की नहीं है। देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ से गाड़ी को रुका जा रहा है, उनसे यानी पूछताछ हो रही है कि कैसा क्या यानी क्यों जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, किसी को यहाँ से जाने की परवानगी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर और पुलिस ही यहाँ ये कोरोना वायरस के लिए काफ़ी देश में मेहनत ले रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। मैडम क्या सांगणार अपन कोरोना बद्दल? बस घरातून बाहेर नका निघू, आम्ही आमचे काम करतच आहोत, फक्त तुम्ही सहयोग करा। तुम्ही आता सध्या कुठे काय कुठे गेले? मी मेडिकल कॉलेज, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला। काय कोरोनाच्या बद्दल समजा काय आता सध्या परिस्थिती काय आहे? सगळेच आपण निमोनिया वगैरे म्हणून आलेले ते सगळं कोरोना आहे म्हणून असं भिवून नका जाऊ, कारण आता वेदर चेंजेसचे पण प्रॉब्लेम होतच आहे, त्याच्यामुळे फक्त काय की थोडा हायजीन मेंटेन करा, कोरोना आपोआपच जाणार। कोरोना के लिए ना डरने का संदेश हमारे मेयो के नर्स ने दिया है, मेडिकल के नर्स ने दिया है, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और साथ में अपने घर में रहिए, किसी के कोई भी दबाव में ना आ बाहर ना जाइए, निजी काम होगा तो ही इम्पोर्टेंट काम होगा तो ही जाइए, अदरवाइज़ घर पे ही रहिए, कोरोना से दूर रहिए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए WHNews.in पर भी भेट दें। धन्यवाद।